नमस्कार, मैं हूं अलका। मातृनंदिनी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको शिव की आराधना कैसे करें, सावन के महीने में महाशिवरात्रि पर्व पर रुद्राभिषेक घर पर ही सरलता से कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें, भगवान शिव के लिए किन मंत्रों का जाप करें, किन स्तोत्रों का पाठ करें, यह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर शिव परिवार की फ़ोटो रख लें। यदि आपके गुरु हैं तो सर्वप्रथम आप गुरु की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लें कि वो आपकी पूजा में सहायता प्रदान करें और पूजा को सफल बनाएं। मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री राधा रमन मिश्र जी हैं और गुरु माता कामरूप कामाख्या माँ हैं। मैंने उनकी पूजा की है। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करें और उनकी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं भगवान शिव का अब रुद्राभिषेक करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें कि मेरी पूजा सफल हो और भगवान शिव माँ आदि शक्ति के साथ मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। इसके पश्चात आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे कहें कि मैं रुद्राभिषेक करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं अपने और अपने परिवार की सुख शांति आरोग्यता ज्ञान धन प्राप्ति के लिए तथा प्रगति के लिए यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी पूजा सफल करें और मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें। आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो उसे भी बोल दें। इसके पश्चात ही आप रुद्राभिषेक करें। माथे पर चंदन और रोली से तिलक लगा लें और कलश की स्थापना करें। मैंने एक चौकी पर एक बड़ी थाली रखी है, उसके ऊपर एक छोटी थाली उल्टी करके रख दी है। उस पर रोली से स्वास्तिक बना दिया है और वहाँ पर पूरा शिव परिवार विराजमान किया है। मैं पूरे शिव परिवार के साथ ही रुद्राभिषेक करती हूँ। आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप केवल भगवान शिव का ही अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आप रुद्राभिषेक की सामग्री एकत्रित कर लें। रुद्राभिषेक की सामग्री है ये। इसमें शहद है, इसमें अष्टगंध है, दही, ये पिसी हुई चीनी है, शर्करा, ये दूध है, ये पंचामृत है इसमें, और इसमें घी है। ये श्रृंगी है, इससे हम रुद्राभिषेक करेंगे। इसे गौमुखी भी कहते हैं। इसमें गंगा जल है, इसमें जल है, ये गणेश जी के वस्त्र हैं और ये उनकी माला है, ये माता जी के वस्त्र हैं, उनकी माला है, ये भगवान को पहुँचने के लिए कपड़े हैं, ये भगवान भोलेनाथ के लिए जनेऊ है, ये इत्र है, ये इनके तिलक का सामान है, इसमें चंदन है, इसमें कुमकुम है, अक्षत, और ये भस्म है, ये सब तिलक का सामान है, ये पुष्पमाला है यहाँ, और यहाँ गणेश जी के लिए दूर्वा है, कुछ फूल रखे हैं, ये बेलपत्र है, बेलपत्थर बेल, और ये बेलपत्री है, और यहाँ पे ये बेर है फल। ये गौरी माँ की श्रृंगार के सामान की थाली है। ये चूड़ियाँ हैं लाल रंग की,
इसमें चुनरी है, ये नेल पॉलिश है, लाल बिंदी, इसमें क्रीम है, काजल, सिंदूर, ये आलता है और ये तेल है। इसमें ये भोग की सामग्री है, यहाँ पेड़े हैं, लौंग बताशे, ये लगा हुआ पान है, ये पान सुपारी, लौंग, इलायची, पांच फल हैं, ये पंचमेवा है, इसमें जल है, दक्षिणा है। यहाँ हमने कलश बैठा दिया है, कलश के नीचे हमने अक्षत से अष्टदल कमल बनाया है, इस पर ये हमने कलश बिठाया है, इसमें ये कलावा लगाया है, यहाँ पे सातिया बनाया है स्वास्तिक, इसके अंदर कलश के अंदर गंगा जल है, जल है, लौंग, एक हल्दी की गांठ, पैसा है, एक सिक्का है और कुछ दूर्वा है, लौंग वगैरह लौंग है, और इसके अंदर हमने पंच पल्लव आम के डाल रखे हैं, पांच पत्ते हैं, उसके ऊपर ये पूर्ण पात्र रखा है, इसमें अक्षत भरे हुए हैं और उसके ऊपर हमने ये नारियल को स्थापित किया है। इस तरह से हमारे कलश स्थापना की गई है। यहाँ पर इस थाली में हमने भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक के बाद यहाँ पर हम उनको आसन देंगे और यहाँ पर ही हमारे गणेश जी और गौरी माँ, नंदी भगवान, पूरा शिव परिवार यहाँ स्थापित होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम गणपते नमः, ओम ऐं जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दुर्गम स्नान समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, दधि स्नानम समर्पयामि, ओम गणपते नमः, दधि स्नानम समर्पयामि, ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दधि स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, 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 शर्करा स्नानम समर्पयामि, ओम गणपते नमः, ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, 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 शर्करा स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, घृत स्नानम समर्पयामि, ओम गणपते नमः, ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, घृत स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, घृत स्नानम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शहद स्नानम समर्पयामि, ओम गणपते नमः,
ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय चै शयदर्शनानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मधुरेशनानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम गणपते नमः। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय चै पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, 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 पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जलम स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गंगा जल स्नानं समर्पयामि। ओम गंगणपते नमः। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चै ओम नमः शिवाय, 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 गंगा जल स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अष्टगंध स्नानं समर्पयामि। ओम गंगणपते नमः। अष्टगंध स्नानं समर्पयामि। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय चै अष्टगंध स्नानं स्नानं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोबारा से शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर सभी भगवानों को कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। इत्र लगा रहे हैं। इत्रम समर्पयामि। गणेश जी को इत्र लगा रहे हैं। आपको वस्त्र पहना रहे हैं। वस्त्र पहना दिए हैं, माला पहना दिए। अब माँ को कुमकुम लगाएंगे। अक्षत लगाएंगे। माँ को सिंदूर लगाएंगे। गणेश जी को हमने वस्त्र पहना दिए, धोती पहना दिए, और ये ऊपर से इनका दुपट्टा है, और ये माला पहना दिए उनको। अब गणेश जी को भी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे। और ये सिंदूर लगाएंगे, हल्दी लगाएं, भोले बाबा को भी इत्र लगाएंगे। चंदन लगाएंगे बाबा को। हे त्रिपुरारी, पूर्ण करो मनोकामना हमारी, चंद्रम समर्पयामि। हे त्रिपुरारी, पूर्ण करो मनोकामना हमारी, चंद्रम समर्पयामि। हे त्रिपुरारी, पूर्ण करो मनोकामना हमारी, चंद्रम समर्पयामि। चंद्रम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। कुमकुम का तिलक लगाएंगे।
आदिशक्ति तिलक लगाएं। अब भोले बाबा को भस्म का तिलक लगा देंगे। अक्षत चढ़ाएंगे भोले बाबा, अक्षत समर्पण, अक्षत समर्पण। अब भोले बाबा को जने उत्सव बनाएंगे, जने उत्सव समर्पण में भोले बाबा वस्त्रम समर्पयामि। रुद्राक्ष समर्पयामि। गणेश जी को दूर्वा समर्पयामि। गणेश जी गणपति ओम गणपति दूर्वा समर्पयामि। पुष्पम पत्रम समर्पयामि। गौरी में पुष्पम पत्रम समर्पयामि। जय भोले बाबा। पुष्पम पत्रम समर्पयामि। जय पुष्पम पत्रम समर्पयामि। हम बेलपत्र चढ़ाएं। पुष्पम पत्रम समर्पयामि। अपराजित का पुष्प ओम ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माला चढ़ाएंगे। बेल बोले बाबा को बेल समर्पयामि। बेल पत्र समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाएंगे। अब बाबा को भोग लगाएं। भोग ला भोग लगाएं। प्रसाद ग्रहण करें भोले बाबा। गणेश जी गौरी माँ प्रसाद ग्रहण करें। परम पूज्य गुरुदेव जी गुरु माँ लौंग बताशे प्रसाद ग्रहण करें। अष्टान का प्रसाद ग्रहण करें। पंचमी विवाह का प्रसाद ग्रहण करें। फल का प्रसाद ग्रहण करें। जल ग्रहण करें। लौंग इलायची पान सुपारी ग्रहण करें। पान ग्रहण करें बाबा। यदि आप महिला हैं तो गौरी माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। इसके पश्चात आप शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला ले लें। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी माला जाप करेंगे। एक माला, पांच माला या दस माला, जैसा आप चाहें। आप शिव स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। जाप करने के पश्चात आप आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। तीनों रूप निरखता हृदांगी धारा। आरती के पश्चात आप क्षमा प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझसे पूजा पाठ अभिषेक में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें और मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें तथा मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। आपकी अति कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात आप प्रदक्षिणा करें। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप आसन पर खड़े होकर ही प्रदक्षिणा कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन,
मनन ये तीन मुख्य वेद सम्मत साधन हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए तथा मुक्ति पाने के लिए ये तीन मुख्य साधन हैं। इसमें भगवान शंकर से संबंधित सभी बातों का श्रवण करना या सुनना, अर्थात आप भगवान शंकर की कथाओं, स्तोत्रों, उनके जाप का श्रवण करें, सुनें, कीर्तन करें भगवान शंकर का, और मनन करें, अर्थात भगवान शिव को ध्यान में रखें या उनका ध्यान करें। जो इन तीनों साधनों को नहीं कर सकता हो तो वह भगवान शंकर की मूर्ति या लिंग की नित्य पूजा करे तो वह भी संसार सागर से पार हो जाता है और भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। यदि आप कोई विशेष पूजा करते हैं तो छोटा सा हवन जरूर करें, उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक में यदि आपके पास इतना सामान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप केवल जल चढ़ाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। प्रसाद में चीनी, गुड़ जो भी उपलब्ध हो चढ़ा दें। गांव में रहते हैं तो आप आग धतूरा के पुष्प फल चढ़ा सकते हैं, जो भी सरलता से उपलब्ध हो जाए। असली चीज है प्रभु से प्रेम, आस्था और विश्वास। मंत्र नहीं जानते हैं, संस्कृत स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु जो भी आप बोल सकते हैं आप जाप करते रहें, मन में भगवान शिव को धारण किए रहें। घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में रुद्राभिषेक कर लें। आपके घर के पास जो भी छोटा या बड़ा मंदिर हो, भगवान शिव के रुद्राभिषेक में आप कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। यदि आप तांबे के लोटे से अभिषेक कर रहे हैं तो सिर्फ जल से ही अभिषेक करें, दूध या दही को तांबे के लोटे में न डालें। पंचामृत को भी आप तांबे के लोटे में नहीं डालें, ना ही तांबे की चम्मच से दूध या दही को चढ़ाएं, क्योंकि दूध और दही तांबे के संपर्क से जहर बन जाते हैं और आप अज्ञानता में ही भगवान को जहर चढ़ा देते हैं। जो भी आप ईश्वर को चढ़ाते हैं वही आपको हजार गुना होकर वापस मिलता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं चढ़ पाए। दूध चढ़ाने के लिए आप चांदी या स्टील के बर्तन का प्रयोग करें। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर कभी शिवलिंग पर ना रखें। मैंने मंदिरों में कई लोगों को ऐसे करते देखा है। दीपक से आरती करने के बाद या अगरबत्ती से आरती करने के बाद उसे एक कोने में या ऐसी जगह रखें जहां दीपक रखने की जगह हो। यदि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।